हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मसाला गपशप पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टीवी के चर्चित कॉमेडी शो भाभी जी घर पर है की। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। टीवी के चर्चित कॉमेडी शो भाभी जी घर पर है ने 2 मार्च 2015 को इसके पहले एपिसोड के प्रीमियम के 7 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर कलाकारों और क्रू मेंबर्स ने शो के सेट पर केक काटकर और एक दूसरे को बधाई देकर जश्न मनाया। इस दौरान भाभी जी घर पर है में मुख्य कलाकार आसिफ शेख, रोहित अश्वक गौर और शुभांगी अत्रे, इसके अलावा शो के निर्माता संजय और विनयफर कोहली, लेखक मनोज संतोषी, निर्देशक और अन्य अभिनेता शामिल थे। शो में अंगूरी भाभी का किरदार निभाने वाले शुभांगी अत्रे ने सेलिब्रेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट को कैप्शन दिया है, हिप हिप हुर्रे भाभी जी घर पर है के 7 साल। भाभी जी घर पर है में अनीता मिश्रा का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री नेहा पेंडसे की जगह ये है मोहब्बते की अभिनेत्री विदिशा श्रीवास्तव को लाया गया है। शो में शामिल होने पर विदिशा ने कहा, मैं इसे लेकर बहुत एक्साइटेड हूं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे कुशल और प्रतिभाशाली अभिनेता आसिफ शेख, रोहित अश्वक गौर और शुभांगी अत्रे के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिलेगा। विदिशा ने आगे कहा कि मैं संजय और विनयफर कोहली की आभारी हूँ, मेरी क्षमताओं पर विश्वास करने और मुझे यह शानदार अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। अनीता भाभी के चित्र के बारे में बात करते हुए विदिशा ने आगे कहा, एक प्रतिष्ठित चित्र को चित्रित करना कभी आसान नहीं होता क्योंकि दर्शकों को अभिनेता और चरित्र के लिए एक निश्चित आत्मीयता होती है, लेकिन मैं इस जिम्मेदारी को पूरे दिल से निभाने के लिए तैयार हूँ। अनीता भाभी आज की महिला है, उसका अपना दिमाग है और वह काफी बोल्ड है। भाभी जी घर पर है शो में विदिशा गौरी मैम बनने वाली तीसरी अभिनेत्री है। इससे पहले रोल को सौम्या टंडन और नेहा पेंडसे कर चुकी है। विदिशा टीवी के साथ साथ साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी काफी एक्टिव है और ये उत्तर प्रदेश की बरास जिले की रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।